सिवनी सहित पूरे प्रदेश में इन दिनों कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से गेहूं खरीदी की जा रही है। कोरोना के भय और लॉकडाउन के कारण लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालातों के बीच भी कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में लंबे समय से गेहूं चोर गिरोह बेखौफ तरीके से गरीबों के निवाले में डाका डालते आ रहे हैं। केवलारी SDOP भगत सिंह गोठरिया को सूचना मिलने पर पुलिस बल द्वारा सिवनी मंडला रोड पर छुई के समीप स्थित एकता ढाबा में दबिश दी, जहां से आरोपी ढाबा संचालक सुनैन तिवारी और अमजद खान के पास से चोरी की लगभग 270 बोरी गेहूं बरामद की गई। उक्त बोरियों में से ज्यादातर सुनहरा उपार्जन केंद्र की मार्क लगी बताई जा रही हैं। आरोपी उपार्जन केंद्र से लोड करके वेयरहाउस जा रहे लोड ट्रकों को एकता ढाबा में रोककर ट्रक ड्राइवर से मिली भगत कर गेहूं चोरी करते थे। कानीवाड़ा थाना प्रभारी अजय मरकाम ने बताया कि फिलहाल जांच प्रतिवेदन और जब्त गेहूं खाद्य विभाग पहुंचाया गया है। निर्देश मिलने के उपरांत सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कल शाम को सूचना मिली थी कि एकता ढाबा जो केवलारी रोड पे स्थित है, वहाँ पे एक ट्रक जो सुनहरा खरीदी केंद्र से आ रहा है और आकर वहाँ पे खड़ा है, वहाँ से कुछ गेहूं के कट्टे बोरियाँ उतार कर एकता ढाबे में रखी जा रही हैं। उप सूचना पर मैं स्टाफ वहाँ पहुँच कर तलाशी ली गई तो पता चला कि एकता ढाबे के अंदर सुनहरा सोसाइटी का मार्के लगे हुए कुछ बोरियाँ, इसके अलावा अन्य बोरियाँ भी वहाँ पे मिली हमको। लगभग जब उनकी गिनती लगाई गई तो लगभग 270 बोरियाँ थी। साथ ही ढाबे के पीछे भी दो वाहन खड़े थे जिनमें गेहूं की बोरियाँ लोड थी, तो वहाँ पहुंचकर सभी बोरियों को जब्त की गई, लगभग 270 बोरियाँ, और जो वाहन जिनसे इधर उधर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था उन वाहनों को भी जब्त किया गया है और प्रतिवेदन तैयार कर जिला खाद्य अधिकारी सिवनी को प्रेषित किया।